Hey everyone, welcome to Hair Talks. So today's video revolves around Joseph and Elizabeth Fritzl. So हम सब जानते हैं how safe we are at our home. हमारा घर हमारे लिए सबसे ज़्यादा safe place होता है. हमें जब भी कुछ टेंशन होती है, इनसिक्योरिटी होती है या हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, हम घर जाने को रश करते हैं. That's the same for everyone, I guess. Same way, हम किसी और के लिए भी imagine करेंगे. But this was not the case for Elizabeth Fritzl. Elizabeth was daughter of Rosemary and Joseph Fritzl. So first, let's have a look at Joseph Fritzl's life and then we'll come to Elizabeth. So Joseph Fritzl was born on 9th April 1935. वो जब बहुत छोटा था, like he was just 4 when his father left. Joseph को सिर्फ उसकी working mother ने पाला था and he was raised by her. He was the only child और इस वजह से उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाई थी. उसके आसपास कोई था नहीं, तो उसका बचपन actually बहुत ज़्यादा amazing नहीं था. It was like full of ups and downs and all. We can imagine कि उसके father नहीं थे, 4 साल की उम्र से ही थी. उसकी mother काम करती थी. How ignored he would have felt. सो ये केस था उसके साथ. बेसिकली ही हैड अ डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड. लेटर ऑन उसने पढ़ाई लिखाई करी एंड ऑल, उसने सब अपनी साइड से कंप्लीट करा. एट द एज ऑफ 21 ही मैरिड 17-year-old रोजमैरी. सो रोजमैरी उसकी पार्टनर बनी. शी वॉज जस्ट 17 when she got married. उसके साथ में उसके 3 sons and 4 daughters थी. उन्हीं 4 daughters में से एक थी Elizabeth Fritzl. Elizabeth was a very loving child. Like her mother and father both loved her a lot. वो काफ़ी ज़्यादा charming थी. She was a happy kid actually. और वो सबके साथ बहुत अच्छी थी, kind थी, caring थी. उसके siblings को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी. And even her mother and father literally loved her a lot. क्योंकि वो उनके बारे में बहुत सोचती थी, केयर करती थी, उनको लव करती थी. दैट्स वाई हर फादर स्पेशली लव्ड हर, बट ही वॉज ऑल्सो ऑब्सेस्ड विथ हर. ये कुछ अनहेल्दी ऑब्सेशन टाइप का केस था जोसेफ का एलिजाबेथ के लिए. वो लिटरली बाकी बच्चों को इग्नोर कर देता था, बट ही वॉज सो मच इन टू एलिजाबेथ. और इसका कोई रीज़न किसी को समझ में नहीं आता था. सब अज्यूम करते थे दैट मे बी एलिजाबेथ जोसेफ की फेवरेट है, इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता है. जोसेफ की ये चीज़ें कुछ अजीब भी थी, जैसे कि वो कई बार एलिजाबेथ के रूम में स्नीक करता था. और अगर एलिजाबेथ का कोई भी मेल फ्रेंड आ जाता था तो जोसेफ को बहुत इशू होता था, वो उन्हें भगा देता. एलिजाबेथ अगर कहीं दूर जाती तो जोसेफ बींग फादर वो ये वाला क्लॉज डाल के उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाता था. एलिजाबेथ को बहुत कंफर्टेबल फील नहीं होता था इस सब से. मतलब वो अपनी लाइफ को किसी और वे से जीना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ जोसेफ वो काफ़ी ज़्यादा बाउंड थी बहुत चीज़ों को लेके. इस वजह से एलिजाबेथ कभी भी अपने घर में ज़्यादा खुश नहीं हो पाई थी. वो बस अपने घर से बाहर निकलना चाहती थी एज सून एज शी कम्प्लीट्स हर एजुकेशन एंड गेट्स अ जॉब. एट द एज ऑफ 15 जब उसने कंपल्सरी स्टडीज़ पूरी कर ली थी, उसने वेट्रेस बनने का एक कोर्स ज्वाइन करा. उसके बाद में 1983 के करीब वो ये कोर्स वोर्स सब छोड़ के अपने घर से भाग गई. और इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के पास में रुकी हुई थी. पुलिस उसको ढूंढ के वापस उसके घर ले आई थी. वापस आने के बाद घर उसने अपने घर में अपोलोजाइज करा और वापस से उसने वेटर्स वाला कोर्स ज्वाइन कर लिया. उसने वो कोर्स ख़त्म करा बाय मिड 1984 और 1984 तक वो 18 ईयर्स की हो गई थी. एंड नाउ शी वॉज ऑफर्ड ए जॉब एज वेल. पास ही में कहीं पर उसको एक जॉब ऑफर हुई थी. सो शी वॉज ऑल एक्साइटेड. वो जाना चाहती थी एंड एज वी नो वो घर से भाग जाती थी, वो घर में नहीं रहना चाहती थी. सो दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू मूव आउट. तो ये उसके लिए एक बेनिफिट था. हर नॉर्मल दिन की तरह एक दिन फिर एलिजाबेथ घर पे कुछ काम वाम कर रही थी. जोसेफ उसे बुलाता है और कहता है कि एक डोर है, प्लीज़ मुझे इसको लेके जाने में हेल्प करो. एलिजाबेथ बींग दैट गर्ल जो सबकी मदद करना चाहती थी, स्पेशली हर पेरेंट्स, उसने वो डोर उठाया जोसेफ के साथ और वो साथ में उसके बेसमेंट तक लेके गई. जोसेफ ने उससे कहा कि इस डोर को फ्रेम तक पकड़ो, आई विल डू द लेटर. एलिजाबेथ ने वही करा, उसने फ्रेम पे डोर को पकड़ा. बट जब वो उसको पकड़ रही थी पीछे से, जोसेफ ने ईथर सोक टावल एलिजाबेथ की मुंह पे रख दिया और उसको तब तक लगाए रखा जब तक एलिजाबेथ बेहोश नहीं हो गई. उसके बेहोश होने के बाद में उसने उसे एक चैम्बर में डाल दिया और बंद कर दिया. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट ये चैम्बर क्या था और ये सब बेसिकली क्या हुआ. एक्चुअली जोसेफ एलिजाबेथ को जब वो 11 साल की थी तब से ही उसको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फिजिकली टॉर्चर करता था. इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, इन अप्रोप्रिएट टचिंग एंड ऑल एंड लाइक ऑफ कोर्स जो भी चीज़ एक फादर और डॉटर के रिलेशन के बीच में नहीं आनी चाहिए, दैट वाज ऑल इन देयर.
जोसेफ काफी सालों से अपने घर के बेसमेंट के अंदर एक जगह प्रिपेयर करा रहा था जिसके बारे में सिर्फ वो जानता था। नॉट इवन हिज वाइफ, नो वन एल्स इन द फैमिली, उसके बच्चे भी नहीं जानते थे, उसकी वाइफ भी नहीं जानती थी, बस वो जानता था कि उसने ऐसा एक चैम्बर बना रखा है। द चैम्बर वॉज इवन साउंड प्रूफ, तो वहां अगर अंदर से कोई चिल्लाए तो बाहर तक आवाज नहीं आती। इतना ज्यादा छुपा हुआ था कि किसी को कभी डाउट भी नहीं हुआ, और अगर कोई बेसमेंट में आया भी तो भी वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो भी उस इंसान को वो चैम्बर का गेट नहीं दिखता था। इट वॉज दैट हिडन। उस चैम्बर के अंदर जोसेफ ने एलिजाबेथ को बंद कर दिया। सो इनिशियली ये जो चैम्बर था वो 35 मीटर स्क्वायर के एरिया में बना हुआ था, और एक्चुअली वो काफ़ी छोटा था, वी कैन जस्ट अज्यूम काफ़ी ज़्यादा कम एरिया था वो। सो अप्रॉक्स 380 स्क्वायर फीट इतना सा एरिया था जिसके अंदर एलिजाबेथ को बंद कर दिया गया था। जब एलिजाबेथ को होश आया वो काफ़ी चिल्लाई, उसने काफ़ी ज़्यादा उसको बाहर निकाल दिया, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या है, वो वहां पहुंची कैसे, और उसके फादर ने एक्चुअली उसके साथ क्या किया। धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड टू टेक शेप। जोसेफ वहां पे या तो हर दिन आता या फिर वीकली 2-3 बार आता, वहां चक्कर काटता, एंड ही यूज्ड टू फोर्स हर वेरी ओन डॉटर मेंटेन फिजिकल रिलेशनशिप्स विद हिम। वो अपनी खुद की बेटी को इस चीज के लिए फोर्स करता था, एंड दैट्स सो ब्रूटल। वो अपनी बेटी को करता, लाइक दिस वॉज नॉट इवन इन हर कंसेंट। कौन ऐसा चाहेगा, लाइक योर फादर इज समवन यू कैन जस्ट रिलाई अ लॉट ऑन। उसके उस फादर ने उसके साथ कितना गलत करा, उसने उसे बंद कर दिया, शी वॉज लिटरली लॉकड अप, और हर दिन एक टॉर्चर। वो उसको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिखाता था, एलिजाबेथ को फॉलो करना होता था ताकि जोसेफ एक अपनी इमेजिनरी फैंटेसी पे वर्क कर सके, उसको वो जी सके। उसमें वो अपनी बेटी का इस्तेमाल करता था। ही वॉज सो ऑब्सेस्ड विथ हिज ओन डॉटर कि उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। दैट्स सो सो पैथेटिक। धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत सामान लाता रहता खाने पीने का, और विथ टाइम उसने अपनी बेटी को अलग अलग सामान ला के दिया। अगर वो उसकी कोई विश पूरी करती तो उसके बदले में वो उसको कोई चीज़ ला के देता, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और बीट टीवी। उस चैम्बर में कुछ भी नहीं था, बट धीरे धीरे करते करते वहाँ पे वो सामान लाता रहा। लेटर ऑन ये पता चला था कि एलिजाबेथ फॉर लेजिट 24 ईयर्स शी वॉज लॉक्ड इन दैट चैम्बर। उन 24 साल के बीच एलिजाबेथ हैड 7 चिल्ड्रन विथ हर ओन फादर। दैट्स सो पैथेटिक, जस्ट इमेजिन। पहला बच्चा जो था एलिजाबेथ का, उसका मिसकैरेज हो गया था। शी वॉज 10 वीक्स प्रेगनेंट, और तब वो मिसकैरेज हो गया था। एन इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज दैट एलिजाबेथ को जब इन बच्चों को जन्म देना था तो उसके पास में कोई फैसिलिटीज नहीं थी, कोई हॉस्पिटल वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह कुछ भी नहीं। शी हैड टू डू इट ऑल बाई हर सेल्फ। उसके फादर ने उसे एक बुक ला के दी थी, लाइक हाउ टू गिव बर्थ, इस टॉपिक पर रिलेटेड उसको एक बुक ला के दे दी गई थी, और उसे खुद ये सब करना था। सो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड था वो हो नहीं पाया था, शी हैड अ मिसकैरेज। उसके बाद सेकेंड चाइल्ड, शी gave birth to Kirsten. She had another child who was named as Stefan, the next child as Lisa, next as Monica, and then she had twins. So one of the twins died and the other survived. The other twin's name was Alexander. And then finally the seventh child, he was Felix. So out of all these 7, Lisa, Monica, and Alexander, inhe Joseph apne saath upar palta tha. वो बेसमेंट में नहीं रहते थे एलिजाबेथ के पास, वो उन बच्चों को अपने साथ अपनी वाइफ के साथ ऊपर अपार्टमेंट में ऊपर की साइड पालता था। एंड हाउ ही डिड ऑल ऑफ दिस, लेट्स सी। तो क्या हुआ था कि जब लीजा, मोनिका, अलेक्जेंडर, लाइक हर किसी की अलग कहानी थी, बट क्या होता था, वो चुपचाप बच्चों को बाहर अपने घर के बाहर रख देता था, एंड देन वो एलिजाबेथ एक नोट लिखवा देता था सेइंग कि ये मेरा बच्चा है, एंड मॉम एंड डैड प्लीज़ आप इसको पाल लीजिए। रोजमैरी बीइंग अ वेरी कंपैशनेट एंड वेरी टची मदर, वो इन लेटर्स को देख के बहुत इमोशनल हो जाती थी, और वो सोचती थी कि ये मेरी बेटी का बच्चा है, मैं इसको पाल लेती हूँ। जब एलिजाबेथ गायब हुई थी, सो व्हाट डिड रोजमैरी एंड द सिबलिंग्स थिंक? हुआ क्या था कि जोसेफ ने एलिजाबेथ के हाथों एक लेटर लिखवा दिया था सेइंग कि मैं यहाँ से भाग गई हूँ और मुझे मत ढूंढना, नहीं तो मैं कंट्री छोड़ के चली जाऊंगी। ये लेटर उन्होंने पोस्ट करवाया था, और इसको पढ़ने के बाद से रोजमैरी ने जो मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी थी वो भी वापस ले ली थी, और उन्होंने उसको ढूंढना बंद कर दिया था। इस सब के बाद जब इतने साल बाद उसका एक बच्चा आया तो उसकी मदर काफी इमोशनल हो गई, और उसने सोचा कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, मैं इसे पालूंगी। ऐसे करते करते 3 बच्चों को वो ऊपर ले आया था। सेम वे वो कुछ लेटर लिखवा लेता या कोई कॉल करवा देता, और रोजमैरी इस चीज़ को मान जाती। इसके बाद में जो लास्ट चाइल्ड था फीलिक्स, उसको जोसेफ इसलिए ऊपर लेकर नहीं गया क्योंकि उसको लगता था कि उसकी वाइफ उस एज में इतने ज्यादा बच्चे नहीं पाल सकती थी। शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ 3 एंड दैट वॉज इनफ। इस वजह से और बच्चों को लेकर नहीं जाया जा रहा था। ओवरऑल इस पूरे 24 ईयर्स के ड्यूरेशन में जोसेफ ने एलिजाबेथ को बहुत टॉर्चर करा। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उनको ह्यूमिलिएट करता। वो एलिजाबेथ
करता इन फ्रंट ऑफ हर चिल्ड्रन ताकि वो ह्यूमिलिएट होए. दैट इज सो रॉन्ग. जब उसके फोर्थ चाइल्ड का बर्थ हुआ था तब जोसेफ ने अलाउ करा था एलिजाबेथ को कि वो जो चैम्बर का साइज है उसको इंक्रीज कर ले, क्योंकि वो जो चैम्बर था वो छोटा पड़ रहा था इतने लोगों के लिए. तो फॉर ईयर्स एलिजाबेथ और उसके बच्चों ने हाथ से खोद खोद के उस चैम्बर का साइज बड़ा करा था. जब भी एलिजाबेथ जोसेफ की कोई बात मानती तो उनको वो कुछ ला के देता, जैसे कि रेडियो, टीवी, वीडियो कैसेट एंड ऑल. धीरे धीरे उनको रेफ्रिजरेटर मिला एंड अलग अलग उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिली. 24 ईयर्स के ड्यूरेशन में एलिजाबेथ ने ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया. शी टॉट देम टू रीड एंड राइट. उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, ना वो स्कूल जाते थे, ना उन्होंने बाहर की दुनिया देखी थी. उनकी लाइफ सिर्फ वो चैम्बर थी और उनके वो सिबलिंग्स थे जो उनके साथ रहते थे, सिर्फ यही उनकी लाइफ. वन डे कर्स्टन फेल इल और एलिजाबेथ ने बेग करा जोसेफ को कि उसको वो प्लीज डॉक्टर के लिए जाए, अदरवाइज शी वुड डाई. काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में ऑन 19 अप्रैल 2008 जोसेफ ने अरेंज करा कर्स्टिन को बाहर निकाल के हॉस्पिटल तक लेके जाने के लिए. कुछ वो अपने ही घर से रात के अंधेरे में अपनी बेटी को लेके गया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया. आफ्टर दैट ऑन 26 अप्रैल 2008 बहुत रिक्वेस्ट के बाद में जोसेफ ने एलिजाबेथ और उसके दोनों बेटों को भी बाहर निकाला. उसने अपनी वाइफ को ऐसा कहा कि बहुत सालों बाद फाइनली आफ्टर 24 ईयर्स अब एलिजाबेथ वापस आना चाहती है. सो फॉर रोजमैरी दिस वाज अ बिग डील कि उसकी बेटी वापस आ गई थी. उसने 24 सालों से अपनी बेटी को ना देखा था ना बात करा था. सो शी वॉज वेरी इमोशनल. वो बहुत खुश थी कि उसके बच्चे आ रहे हैं वापस. सो एलिजाबेथ वहाँ पे आई, बट एलिजाबेथ को जोसेफ ने कह रखा था कि वो अपनी मदर को कुछ ना बताए, तो उसने वैसा ही करा, उसने कुछ नहीं बताया. लेटर ऑन वो कर्स्टन से मिलने गई. वहाँ पे जाके जब डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने पूछा कि इनकी कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है इन बच्चों के एंड ऑल. काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिग करने के बाद में डॉक्टर को थोड़ा डाउट हुआ एंड लेटर ऑन ये जो पूरा केस था ये पुलिस स्टेशन तक पहुँचाया गया. पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करा, जब उनसे क्वेश्चंस करे, तो एलिजाबेथ ने बस एक ही चीज़ बोली कि अगर मुझे उस आदमी की शक्ल वापस कभी नहीं देखनी होगी तो मैं आपको सब सच बता दूंगी, और एल्स आई वोंट से एनीथिंग. पुलिस ने उसको अश्योर करा एंड देन शी टोल्ड दैट हर वेरी ओन फादर her for legit 24 years. This was very, very shocking for everyone. ये सब सुनने के बाद पुलिस ने तुरंत एलिजाबेथ के सारे बच्चों को और उसकी मदर को केयर में लिया और जोसेफ को अरेस्ट करा. इस सब के बीच में उसने जब कन्फेस करा कि क्या क्या हुआ था, शी टोल्ड कई बार जब उसके बच्चे या वो जोसेफ को अपोज करते तो जोसेफ उन्हें मार देने की धमकी देता. वो उन्हें वार्न करता कि वो पूरे चैम्बर को गैस कर देगा और वो किसी भी वे में इनको मार देगा. अगर वो डोर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो शॉक से मर जाएंगे, करंट से मर जाएंगे. ऐसे करके उसने काफ़ी धमकियाँ दी. ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स भी एलिजाबेथ ने पुलिस को दी. दिस वॉज सो इम्पॉर्टेंट. दिस होल जर्नी ऑफ 24 ईयर्स वॉज सो शैटरिंग फॉर एलिजाबेथ. उसका पूरा बचपन बिगड़ गया, उसकी पूरी ज़िंदगी बिगड़ गई. जो उसके पास इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टाइम था उसने वो सब गवा दिया एक स्टूपिड से चैम्बर में. शी हैड टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन विथ हर वेरी ओन फादर. दैट्स हाईली पैथेटिक. एंड देन वॉट रोजमैरी वुड हैव फेल्ट कि उसके खुद के हस्बैंड ने उनकी खुद की बेटी के साथ ऐसा करा. आफ्टर ऑल ऑफ दिस एक केस हुआ था. उस केस के रिजल्ट में फाइनली सब कुछ प्रूव हो के DNA टेस्ट वगैरह के बाद ही प्रूव हो गया था कि जो एलिजाबेथ कह रही थी वो सच है. इसके बाद में जोसेफ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ एंड ही वॉज लाइक अराउंड 73 ईयर्स ओल्ड जब उसको अरेस्ट कर लिया गया था और उसको फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है. दैट्स व्हाट हैपेंड. उस टाइम ड्यूरेशन में एलिजाबेथ उसकी मदर और उसके सारे बच्चों को केयर में ले लिया गया था. आफ्टर दैट व्हेन दे वर हेल्दी एंड हैप्पी उन्हें रिलीज करा गया था. तब तक जोसेफ वहाँ से जा चुका था. सो पुलिस इंश्योर्ड कि उनके लिए एक सेफ प्लेस से रहने की. एंड दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैपन. हाउ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इन समवंस लाइफ लाइक देयर होम, वो ही कैसे उनके लिए सबसे हॉरिबल प्लेस बन सकती है. एलिजाबेथ एंटायर लाइफ वॉज रूइंड. सो दैट्स द केस ऑफ जोसेफ एंड एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल. डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ बी श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. वी पोस्ट वीकली. थैंक यू.